गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 10 में 10.1 जो एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लाई का। क्या करना है आपको, रुपीस दिए हैं और उसको 6 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। मल्टीपल तो आपको आता होगा ना, सिंपल है। 3205 को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है। देखिएगा, 6 5 जा कितना होता है, 30 होता है क्या? 30 का 0 3 कैरी हो गया, आगे 0 है तो 30 का 30 आ गया। 6 2 जा 12, 12 का 2 1 कैरी हो गया। ठीक है, 6 3 जा 18 और 18 और 1 19। ये आपका क्या आ गया, रुपीज में है तो रुपीज में ही आप आगे रुपीज जो यूनिट है वो जरूर लगाएंगे। देखिएगा, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड स्टार्ट हो रहा है, 10,000। इट मीन्स यहाँ पे आप कॉमा लगा देंगे। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। एक्सरसाइज बी, बी में देखिएगा, सॉल्व 5,525 रुपीज एंड 25 पैसे मल्टीप्लाई 30। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इसने लिखना है। देखिएगा, 525 तो रुपीज है तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, पॉइंट लगा के लिखेंगे 25 पैसे, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 13 से। सबसे पहले इसको ऐसे पोजीशन पे बनाना है, उसके बाद देखिएगा आगे करते हैं अपन। 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो 5 3 जा 15, 15 का 5 1 कैरी हो गया, 3 2 जा 6 6 और 1 7। ओके, फिर देखिएगा, 5 3 जा 15, 15 का 5 1 कैरी हो गया, 3 2 जा 6 और 1 7, और 5 3 जा 15। फर्स्ट डिजिट के नीचे मल्टीप्लाई का साइन और स्टार्ट मल्टीप्लाई 1 इन अबाउट डिजिट 1 बाई 1। तो आपको पता है 1 का सब में करेंगे तो वो का वही आ जाएगा। 1 का 5 से किया 5, 2 से किया 2, 5 से किया 5, 2 से किया 2, 5 से किया तो 5। अब इसको क्या करना है, आपने ऐड करना है। 5 का 5 आ गया, ठीक है, 5 5 10 और प्लस में 2 हो गए 12, 5 प्लस में 2 7 और 1 पीछे से जो आ रहा था 8, 5 5 10 है 2 12, 12 का 2 और 5 प्लस में 2 7 और 1 कैरी हो गया तो हो गए 8, 5 4 1 6। अब देखिएगा, 1 1 10 100 1000 10,000 लाख। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि पॉइंट कितनी डिजिट के बाद है। ठीक है ना, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आपने जो पॉइंट लगाया है वो कितनी डिजिट के बाद है, उतनी डिजिट के बाद आप क्या कर देंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट लगाने से क्या हो जाएगा कि रुपए आपके अलग हो जाएंगे, पैसे अलग हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, 1 2 2 डिजिट, कौन सी, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। इट मीन्स आपके फाइनल आंसर में आप 2 डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। ओके, तो इसका मतलब अब क्या हो गया, वो देखो, इसका मतलब रुपीज कितने हो गए, पैसे कितने हो गए, रुपीज कितने हो गए, ये रिमेनिंग ये वाला पार्ट रुपीज है जो पॉइंट से लेफ्ट साइड में। ठीक है, कितने हैं, 6,828 रुपीज। पैसे कितने हुए, 25 पैसे, ऐसे लिखेंगे अलग से। ठीक है ना, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, 507 रुपीज 75 पैसे मल्टीप्लाई बाय 16। सो 507 रुपीज पॉइंट 75 पैसे मल्टीप्लाई बाई 16। ओके, स्टार्ट करते हैं। 6 5 जा 30, 30 का 0 3 कैरी हो गया। ठीक है, 6 7 जा या 7 6 जा 42, कितने हो गए, 45। 45 का 5 यहाँ लिखा, 4 कैरी हो गया। अगेन 7 6 जा 42, 42 में 4 आपने कर दिया तो आप क्या गए, 46। तो यहाँ आ गए 6 और 4 कैरी हो गया। ओके, आगे 0 है सो कंप्लीट आ जाएगा 46। 6 5 जा 30,
30 मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। स्टार्ट करो, नेक्स्ट डिजिट 1 से करना है, 1 को 5 से किया 5, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 1 को 0 से किया 0, 5 1 जा 5, अगेन प्लस कर देना है, देखिएगा 0 5 10, 6 6 12 और 1 13, और 1 कैरी हो गया तो हो गए 14, ठीक है। 4 प्लस में 7 हो गया 11, 11 1 कैरी है तो हो गए 12, 0 है तो यहाँ 1 आ गया 5, और प्लस में 3 हो गया 8। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे देखिएगा 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, इट मीन्स 2 डिजिट छोड़ के आपने यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो आप क्या देख रहे हैं, आपके पास सिर्फ रुपीज आ रहे हैं, पैसे नहीं है, तो आप क्या लिख देंगे, 8,124 रुपीज। ओके,